हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 10A करेंगे। क्लास 7 का है, फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। नेम ऑल द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। आपके पास ये फिगर है, मौजूद है। ठीक है, इसमें से आपने कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले ना मैं वर्टिकल लिख लेती हूँ, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कौन कौन से हैं। एक हमारे पास यहाँ पर एंगल 10, ठीक है, इसके ऑपोजिट इस तरीके से देखें कौन सा है, एंगल 8। ठीक है, एंगल 10 एंड एंगल 8। फिर यहाँ से आ जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक हो गया, अब दूसरा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमने ये देखना है कि वो कौन से एंगल हैं जो हमारे पास 180 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वो चेक करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब यहाँ पे 180 का जो एंगल बना रहा है वो कौन सा बना रहा है, यहाँ पे 10 एंड 2 या इस तरह लिखते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 10। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप हाथ रखें ना तो आपको वाजह तौर पे नजर आएगा कि 10 और 2 बना रहा है। इसी तरीके से एंगल 5 एंड एंगल 8। ठीक है, हाँ जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको रख दें तो यहाँ पे देखें एंगल 2 और एंगल 8 बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल 2 एंड एंगल 8, और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 10 एंड एंगल 5, एंगल 10 एंड एंगल 5। ये हमारे पास बना रहे हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, थोड़ा सा और आपको इसको क्लियर करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है, ये हमारे पास 10 है, ये 2 है, ठीक है, ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे देखें कि वो कौन सी लाइंस है जो आपके पास 180 का एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर मैं नीचे वाले को स्किप कर देती हूँ, 180 हमारे पास एक सीधी लाइन होती है, इसको मैं हटा देती हूँ तो ऊपर एंगल 2 और एंगल 10 रह जाएगा। ठीक है, तो ये 180 की, यानी कि इस तरीके का जो एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये 180 का बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 180 का है, तो हम ये लिख लेते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास एंगल 5 और एंगल 8 बना रहा है, यहाँ से हमारे पास एंगल 10 और एंगल 5 बना रहा है, जबकि यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 8 बना रहे हैं, तो ये हमारे पास 180 के एंगल बना रहे हैं। हाँ जी, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास 90 का एंगल कौन सा है, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब 90 का एंगल जो बना रहे हैं वो ये वाले बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है और यहाँ पे है ना, तो ये 3 है और ये एंगल, तो ये हमारे पास 90 का एंगल बना रहे हैं, यानी एंगल 3 एंड एंगल 9, और इसी तरीके से एंगल 6 एंड एंगल 7, ये हमारे पास 90 का एंगल बनाते हैं। ठीक है, कि अगर जो हमारे पास एंगल इस तरीके का बनता है, एक लाइन है उसके ऊपर 90 का कोई एंगल बन रहा है, यानी सीधी लाइन आएगी, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं, ये एंगल मिलकर हमारे पास 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 9 और एंगल 6 और एंगल 7। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो 2 है, सेम इसी तरीके से है। आपके पास यहाँ पे भी आपने यही देखना है कि पहले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन से हैं। मैं वर्टिकल ऑपोजिट को वी ओ ए लिखूंगी। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमारे पास है, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास इस तरीके का है, ऐसे ये बी है, ये ई e है, ठीक है, ये के है और ये एच है। तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये एंगल बी एंड एंगल एच, जबकि एंगल ई एंड एंगल के, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कोई कौन से एंगल मिलकर 180 बनाते हैं, दो एंगल कौन से हैं जो मिलते हैं आपस में, जब उनको ऐड किया जाए तो 180 का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से आपको फिर समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हमने फिगर, यहाँ पे देखे मैंने रख दिया है, तो यहाँ पे बी और के आपको नजर आ रहा है, जो मिलकर हमारे पास किसका एंगल बना रहे हैं, 180 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ एंगल बी एंड एंगल के। ठीक है, हाँ जी, फिर आ जाएगा यहाँ पे रख लेते हैं, तो एंगल ई और एच, एंगल ई एंड एंगल एच। ठीक है, फिर यहाँ पे रख लेते हैं एंगल एच एंड एंगल के। ठीक है, ये हमने किस तरह ऐसे किया था। ठीक है, और अब यहाँ पे रखते हैं तो एंगल बी एंड एंगल ई, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ जी, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है, ये हमारे पास एक और फिगर है, पहले हमने इसका भी देख लेना है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या है। ठीक है, मतलब कि अगर आप पहले हम इनके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर है, तो इसका आपके पास ये वाला और ये वर्टिकल ऑपोजिट है। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल
फाइव, एंगल सिक्स एंड एंगल फोर, और इधर से एंगल एट एंड एंगल टेन, एंगल सेवन एंड एंगल नाइन। ठीक हो गया। फिर आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास कौन से हैं जो कि 180 का एंगल बनाए। अब पहले हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास ये कितना बन रहा है, एंगल थ्री एंड एंगल फोर। ठीक है, फिर एंगल सिक्स एंड एंगल फाइव। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे रखेंगे, एंगल फाइव एंड एंगल फोर, एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स। ये हमने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, अब यहाँ वाला है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये हमारे पास एट है, ये हमारे पास सेवन है, ये नाइन है और ये टेन है। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एट और सेवन, एंगल एट एंड एंगल सेवन। ठीक है, और फिर एंगल नाइन एंड एंगल टेन। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाएगा, मतलब कि एट और सेवन हमने किया है इस तरीके से, अब सेवन और टेन, एंगल सेवन एंड एंगल टेन। ठीक है, और यहाँ से एंगल एट एंड एंगल नाइन। हाँ जी, सप्लीमेंट्री हमने एंगल बनाने हैं जो कि 90 का एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एंगल वन और एंगल टू ही है जो कि हमारे पास क्या बना रहा है, 90 का एंगल। यहाँ पे देखे ना, ये ठीक है, ये एंगल हमारे पास 90 का बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे लिखा है, सप्लीमेंट्री सिर्फ दो ही एंगल है, एंगल वन एंड एंगल टू, ये दोनों मिलकर 90 का एंगल बना रहे हैं।